अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फाइनेंशियल फंक्शंस के हवाले से। और फाइनेंशियल फंक्शंस यूज होते हैं मोस्टली फाइनेंशियल मैटर्स को सॉल्व करने के लिए, जैसे कि लोन अमाउंट कैलकुलेट करना हो, उसकी इंटरेस्ट रेट निकालना हो या उसकी पेमेंट मालूम करना हो, इस तरह के मामला इस्तेमाल होते हैं अक्सर बैंक में। या आप इंडिविजुअली भी कोई लोन वगैरह ले लेते हैं, उसकी अमाउंट या उसकी पेमेंट वगैरह किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए हम इन फाइनेंशियल फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले जो हमारा फंक्शन है जिसका नाम है पीएमटी, तो पीएमटी जो फंक्शन है ये हमें पेमेंट निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। थोड़ा सा समझ लें कि ये मैंने जो बॉक्स में वैल्यूज लिखी है इसमें देखें, लोन अमाउंट, इंटरेस्ट, ड्यूरेशन, इंस्टॉलमेंट, ये फाइनेंशियल टर्म्स है। लोन अमाउंट मीन्स प्रिंसिपल वैल्यू, जैसे कि कर्जा जो आपने लिया किसी बैंक से, किसी इंडिविजुअल से। और इंटरेस्ट मतलब सूद कह सकते हैं इसको, प्रॉफिट भी कहते हैं। और ड्यूरेशन, ड्यूरेशन हमेशा मंथ्स में होगा, 60 मींस 5 इयर्स, और क्योंकि 12 महीनों का एक साल होता है। और इंस्टॉलमेंट यानी कि किस्त, ये मैंने इंग्लिश में लिख रखा है और ये मैंने फाइनेंशियल टर्म में इनके बारे में लिख रखा है। जैसे लोन अमाउंट को हम प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं, इंटरेस्ट को हम रेट कहते हैं, ड्यूरेशन को हम एंड नंबर ऑफ पीरियड कहते हैं, और इंस्टॉलमेंट को हम पेमेंट कहते हैं। तो किस तरह से अगर हमारे पास इस तरह की गिवन वैल्यू है, तो याद रखिए आपने वैल्यू को इंटर करनी है, मतलब आपने इस तरह से लिखना है, हमेशा लोन अमाउंट को नेगेटिव में लिखना है क्योंकि ये एक तरह से रिटर्न एबल वैल्यूज होती है, इसलिए इसको नेगेटिव में लिखा जा रहा है। माइनस 2 लाख मैंने यहां लिख दिया है, और कितने परसेंट पे देना है तो उसके 30% का साइन पे दे दिया है। और मंथ्स यहाँ पे डिक्लेयर करने, मिनिमम 12 मंथ्स लिखते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं तो 4 साल का लिख रहे हैं तो 1248, और 5 साल का लिख रहे हैं तो 12560। यहाँ पे मैं 60 लिख रहा हूँ, उसका मतलब 60 मंथ्स। इंस्टॉलमेंट इस तरह से निकालेंगे, इसकी इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए आप जाएंगे फॉर्मूला में, फॉर्मूला में जाने के बाद आप यहाँ से क्लिक करेंगे फाइनेंशियल फंक्शंस में, और फाइनेंशियल में आने के बाद यहाँ पे आपको एक फंक्शन मिलेगा जिसका नाम होगा पीएमटी। तो जैसे आप पीएमटी फंक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये लॉन्च हो जाएगा। पीएमटी फंक्शन के अंदर आपसे 3 रेफरेंस करने हैं आपको। सबसे पहला रेफरेंस है रेट का, जैसे आप रेट पे क्लिक करेंगे तो यहां से आप जाके रेट यानी के जो उसका इंटरेस्ट रेट है उस सेल को आप यहां से सिलेक्ट कर देंगे। सेकेंड नंबर पीरियड यानी कि एन पर फंक्शन जो है उससे आपको यहाँ पे एन पर वाली वैल्यू जो मंथ पे उसको आप सिलेक्ट कर देंगे तो उसका सेल का रेफरेंस यहाँ आ जाएगा। प्रिंसिपल वैल्यू पे आप क्लिक करके यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू को भी रेफरेंस कर सकते हैं और उसका भी रेफरेंस यहाँ आ जाएगा, यह नजर आएगा। इसके बाद रेट पर क्लिक करके आप उसको डिवाइड करेंगे 12 से, यानी कि आप 12 महीने के अंदर इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, तो इंस्टॉलमेंट भी 12 महीने के लिए लेगी, तो यहाँ पर आपको रेट को डिवाइड का साइन देके 12 से डिवाइड करना है। और जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पर आपको 1 महीने की इंस्टॉलमेंट निकल आएगी, यानी कि इस तरह की 60 इंस्टॉलमेंट्स आप पे करेंगे तो जाके आपका ये कर्जा उठेगा। और इसमें प्रॉफिट भी शामिल है, इंटरेस्ट पार्ट भी शामिल है। अच्छा, पीकेआर कैसे लिखा है, ये करेंटी करेंसी का सिंबल है, तो यहाँ क्लिक करके आप डॉलर भी ले सकते हैं और यहाँ क्लिक करके और भी सिंबल्स ले सकते हैं। पाकिस्तान से करेंसी का सिंबल लेने के लिए माउर अकाउंटिंग कोर्सेस में जाएंगे और यहां से क्लिक करके आप फिर आएंगे आगे जो नेक्स्ट ऑप्शन है इसका, वहां पर वहां से आप इसको पीकेआर को चूज करेंगे। जैसे आप पीकेआर को चूज करेंगे तो वो फिर आपकी करेंसी जो है पीकेआर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आपके सामने नेक्स्ट विंडो ये खुल जाएगी, और जब ये विंडो आपके सामने खुल जाए तो आपसे अकाउंटिंग में आना है, और अकाउंटिंग में आने के बाद वहां सिंबल पे क्लिक करना है और यहां से बताना है पी, तो पी दबाते रहेंगे, एक सिंबल आएगा पीकेआर का, जैसे इसको सिलेक्ट करके आप ओके करेंगे तो यहां पर आपके पेमेंट के साथ पीकेआर का साइन आ जाएगा और इस तरह से आप पेमेंट मालूम कर लेते हैं। ठीक है, इसको करके देख ले, इंशाल्लाह फिर अगले फंक्शन के साथ।